दी, लेट्स सी योर डिश। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट डिश प्रेजेंट करने की कोशिश की है, बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है एक सेवरी स्पाइस मिक्स को एक डेजर्ट में यूज करके। कृति, आपको क्या स्पाइस मिक्स मिला था, आपने उसे कहाँ यूज किया है और क्या बना है? शेफ, मुझे शिचिमी तोगाराशी स्पाइस मिक्स मिला था अभी, एंड शेफ मैंने उसे एक डेजर्ट अटेम्प्ट किया है जिसमें मैंने एक टार्ट बेस के अंदर पॉपी सीड का केक पहले स्पंज लेयर किया है, उसके बाद यूजू एक्सट्रैक्ट था उसका मैंने कर्ड बनाकर टॉप किया है, एंड देन मैंने जो स्पाइस मिक्स है उसका वाइट चॉकलेट गनाश बनाकर ऊपर एक पाइपिंग दी है, उसके साथ मैंने एक ग्रेप का सॉबे भी बनाया जिसमें मैंने वो स्पाइस मिक्स यूज किया है। आई लव द प्रेजेंटेशन, आई लव इट। ये जो आपने पाइपिंग करी है मराइन की और साथ में गनाश की पाइपिंग है, आई थिंक वो जो आपका सॉर्बे मेल्ट हो रहा है ना, वो भी एक विजुअल लैंग्वेज दे रहा है प्लेट को। एक्चुअली प्रीति, आई वॉज मोस्ट एक्साइटेड फॉर योर डिश टुडे, and this dish is काफी ज्यादा खुशी हो रही है, कब से मैं इस मोमेंट का वेट कर रही थी, एंड आज वो फाइनली सच हुआ है। आपकी शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री इज परफेक्ट, पॉपी सीड केक ग्रेट, एंड आई लव कि आपने सब एलिमेंट्स को इतना रिस्पेक्ट दिया है, और जो तोगाराशी का जो फ्लेवर है वो आपके गनाश में और आपके सॉर्बे में बहुत अच्छी तरह शाइन करता है। For me, it is a great dish. Wow. These are such mature flavors. वो तोगाराशी का जो स्मोकीनेस है, उसका हल्का सा स्पाइस लेवल, इट्स जस्ट हिटिंग द राइट नोट्स, द यूजू इज अमेजिंग, द व्हाइट चॉकलेट इज अमेजिंग। I think just very brilliantly executed dish. Mere liye yuzu curd is killing me. The idea of those little grapes in the plate for adding freshness, they really play a game with the palate. But these two really took the dish to the next level. So congratulations and thank you. क्या सिर्फ एपेटाइजर से पेट भर लेंगे, मेन कोर्स भी तो एंजॉय करना है, तो लॉग ऑन कीजिए सोनी लिव पर।